Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Danish Zehen, back at it again with a new video, baby. Okay, so guys, my new channel is a new vlog. Dude, I'm vlogging. So guys, I'm vlogging. Okay, so guys, my new channel is a new vlog. It's a lot of days drop. Koel bhi mere vlog karne ke time pe koo kar rahi. So इसे भी इग्नोर करो. सो गाइस मेरे नए चैनल के ऊपर बिल्कुल भी नया व्लॉग है, जो कि मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, तो तुम लोग गौर से फिर से सुनो एंड ये व्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि बिल्कुल भी नया व्लॉग है ये, मैंने चौथी बार बोल दिया. सो गाइस अभी हम लोग आए हुए बैंड्रा में, अभी हमें जाना है महबूब स्टूडियो. बस मेरा बीइंग ह्यूमन का एक फोटो शूट है, तो पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है कितना नहीं, बट जितना भी टाइम लगेगा हमें तो मजा करना है, तो मजे करने के लिए ही बने हैं. सो वही अभी गाड़ी नहीं आ रही, तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ. बट गाइस ना, जो भी करेंगे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, कॉज ये कंप्लीट पूरा व्लॉग है. कॉज मैं जब से मैंने नया व्लॉग चैनल बनाया, मैंने एक भी प्रॉपर व्लॉग नहीं ड्रॉप किया, मैंने सिर्फ वीडियोज आ रहे हेयर कलर के ये सब चीज़ के. सो मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड जिस इसका आ रहा था, लोग रिक्वेस्ट करते वो था एक व्लॉग, तो ये तुम्हारा व्लॉग है. सब चलते हैं एंड देखते हैं. ऑलराइट, सो गाइस बहुत लोग ट्रोल बना रहे इस चीज़ को लेकर कि मेरा चैनल किस वजह से उड़ा, किस वजह से नहीं. बहुत जोर की कार की आवाज़ आने वाली है, दो मिनट के लिए कान मोल लिया लो. ओके, सो मैं बताऊँ किस वजह से उड़ा किस वजह से नहीं उड़ा. तो जितने भी ऐसे थोड़े बहुत यूट्यूबर्स हैं ना, अजीब अजीब, जिनकी में से एक की शक्ल मैं अभी तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल ही मत जाओ. बिकॉज इन लोगों के खुद के वादे हैं, ये लोग मेरे ऊपर बोल रहे हैं लोग मेरा चैनल उड़ाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो ऐसे इसकी अजीब सी शक्ल देखिए आप लोग, उसके ऊपर बिल्कुल ही मत जाओ. मेरा चैनल उड़ा है, मैं गम खा लिया, मैंने गम सह लिया, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. मैं फिर से मेहनत करूँगा, फिर से आवाज़ आएगी, फिर से आएगी. दो हाँ, तो मेरा चैनल है, मैंने गम खा लिया, मैंने गम सह लिया, मैं दूसरा चैनल बनाऊंगा एंड इसके ऊपर फिर से मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करेंगे. एंड मैं वहाँ पर एक चीज़ बोलना भूल गया, मकसद ये था वीडियो शार्ट करने का कि फैम ब्रो मच का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तुम लोग जाकर बाय कर सकते हो. सो वही, और अगर तुम लोग फैम ब्रो कूपन कोड यूज़ करोगे तो 10% डिस्काउंट है. बाकी का ब्लॉग अमिताभ बच्चन कंटिन्यू करेंगे. सो वही, ओके. सो गाइस जैसे तुम देख सकते हो, फिलहाल अभी हम लोग महबूब स्टूडियो के अंदर है, पूरा सेट तुम लोग देख सकते हो, दिखा देने पूरा सेट. मुझे थोड़ा जोर की बोलना पड़ेगा, और ये बस की आवाज़ इसके अंदर पर, तो तुम लोग वो इग्नोर करो. पहले हम लोग फिलहाल वैनिटी वैन के अंदर जाते हैं, हमारा वैन है. सो गाइस रीज़न ये है, यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून है, बाहर के मौका भी, यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ पे हम सो कर सकते हैं. सो गाइस जैसे हम देख सकते हैं, हमें अच्छी चीज़ खराब करने में बहुत मज़ा आती है. ओके, सो गाइस तुम लोगों को एक बात बताऊँ, बाजू वाले डोर में सलमान खान है, तुम्हें विश्वास करो या ना करो, ये वाले डोर में, और वो क्या समझ रहे, तुम लोग सुनो. तुम लोग देखना है इन ईयर में, तुम लोग बाहर निकल के दिखाता हूँ क्या लगा है उसके ऊपर. सही में डूब में मजाक नहीं करता, बाजू वाले डोर में सलमान खान है. सो गाइस ओके, सो गाइस जैसे तुम देख सकते हो, फिलहाल अभी हम लोग हमारी वैनिटी वैन के अंदर है, हमारी मतलब भाड़े पे. सो गाइस, सो गाइस बाजू वाले डोर में सलमान खान है, तुम लोग विश्वास करो या ना करो, बट सच बोल रहा हूँ, बाजू वाले डोर में सलमान खान है. तो फिलहाल तुम देख सकते हो कितना बॉम्ब है, मैं तुम लोग को इसका कम्प्लीट रिव्यू देता हूँ पूरा. सो ये छोटा सा झूला है, यहाँ पर एसी है, इसका इंटीरियर देख सकते हो तुम लोग, यहाँ एक सोफ़ा है, यहाँ पीछे टीवी है, यहाँ टेबल है, तुम लोग आराम कर सकते हो. और ये यहाँ का किचन है, ऐसे रूप देख सकते हो, इसके अंदर केला है, इसके अंदर अंगूर है, तुम्हें हाथ हो डे बिस्तर भी है, ग्लोबल है. और यहाँ पे छोटा सा चीज़ है, इसके बाद कुछ भी नहीं, खाली खाली प्लेट है,
सीधा स्टारबक्स से अगर मैंने पी लिया और ये है टंडला मेरी फेवरेट जगह वॉशरूम वॉशरूम मेरी फेवरेट जगह इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से व्लॉग होता है तुम लोग साउंड क्लैरिटी सुन सकते हो कितने अच्छे से आ रही कितने अच्छे से नहीं तो अभी पूरे वैनिटी वैन का व्लॉग मैं यहीं पर कंप्लीट करूँगा मैं तुम लोग को जो जो दिखाया सारी चीज़ें कि वैनिटी वैन में क्या थी क्या नहीं गाइस तुम लोग मेरे फिर से बोल रहा हूँ उसने सुनाई दिया होगा नहीं दिया होगा बट यहाँ फिर से बोल रहा हूँ बाजू वाले डोर में सलमान खान है विश्वास करो या ना करो सच्ची है मुझे पता है अब तुम लोग करो या ना करो तुम्हारे ऊपर है सो वही अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर आराम करूंगा मैं उसके अंदर मेकअप होगा मेरे हेयर होगे वहाँ पर शूट होगा वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता शूट होते हुए बिकॉज वो ऑफिशियल शूट है इसलिए सो अभी थोड़ा आराम करते एंड देन चलते एंड देखते सो वही ऑलराइट सो गाइस फाइनली इतने देर का शूट कंप्लीट हुआ थक गए बट चलता है सो शूट में अभी तुम लोग बता नहीं सकता शूट कैसा था कैसा नहीं बिकॉज ये चीज़ में हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज ये बिल्कुल भी एक ब्रांड शूट था तो इस बारे में तुम लोग कुछ भी नहीं बता सकता कैसे कपड़े थे क्या था अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ बट जो भी हुआ बहुत मजा आया बाय द वे गाइस हम लोगों ने एक चीज़ पे गौर नहीं किया हुआ ये दूसरा वैनिटी वैन है पहले का वैनिटी वैन दूसरा था ये दूसरा है तुम देख सकते हो उसका इंटीरियर बिल्कुल भी अलग है एंड इसकी लाइट्स वगैरह बॉम्ब है सो वही आई मीन तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे म्यूजिकली बना सकता हूँ मैं यहाँ पे बैठ के म्यूजिकली बना रहा था तो गाइस अगर तुम लोग मुझे म्यूजिकली पे नहीं फॉलो करते जाओ के फॉलो करो दानिश ज़ेहन मेरी रियल आईडी पे 140 के फॉलोअर्स है सो वही जो मैंने यहाँ पर बनाया तुम लोग वहाँ देखने मिलेगा सो वही तो गाइस अभी पता नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बिकॉज अभी मुझे घर भी जाना है एंड देन एक थोड़े बहुत काम और भी कर रहे हैं तो पहले हम ये ब्लॉग कंप्लीट करेंगे एंड देन हम आ जाएंगे सो वही सो चलते हैं देखते हैं ओके तो गाइस फिलहाल मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी मैं कुछ बोलने लायक नहीं डूड बिकॉज सलमान खान मेरे आँख के सामने कह रहे थे डूड मेरे मैं अपना फ़ोन निकालना भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं फ़ोन निकालूँ मैं क्या बोलूँ डूड बिकॉज मेरे आँख के सामने थे फास्ट हो गया डूड समझ में नहीं आ रहा है डूड आई मीन भाई भाई खत्म करो भाई बाप को सामने था डूड उनकी पर्सनैलिटी डूड बाय